कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो लाख परेशानी भी आपका रास्ता नहीं रोक सकती कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों के तानों को दरकिनार करके कुछ ऐसा कर जाते हैं जो लोगों की सोच से भी परे होता है नमस्कार आज की खबर में आपका स्वागत है मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पहले ही प्रयास में यूपीएससी का एग्जाम ट्रैक कर लेते हैं और ऐसे लोग जनता के लिए मिसाल बन जाते हैं पर आज जो कहानी हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर आप भी इस लड़की की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे पहले ही प्रयास में यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करने वाली आईपीएस सिमरन भारद्वाज का एक वीडियो सुर्खियों में है सिमरन ने वीडियो में यूपीएससी इंटरव्यू का अनुभव शेयर किया है उन्होंने कहा कि जब वो इंटरव्यू दे रही थी तो दो तीन ऐसी बातें कह जिससे सुनकर पैनल में मौजूद लोग हंसने लगे इसके बाद उन्हें पॉजिटिव वाइब आने लगी थी कि वो सफल हो जाएंगी हरियाणा के गांव से ताल्लुक रखने वाली सिमरन भारद्वाज ने इस वीडियो में बताया कि उन्होंने पहले ही प्रयास में यूपीएससी 2021 में एक ऑल इंडिया रैंक हासिल की थी 2021 में ही उन्होंने यूपीएससी कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक हासिल की परीक्षा का भी उनका पहले ही था सिमरन ने कहा कि वो आर्मी बैकग्राउंड वाले परिवार से आती हैं। ऐसे में शुरू से ये तय कर लिया था कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे देश का भला हो सिमरन ने कहा परिवार में भाई माँ और पिता है पिता आर्मी में है उन्होंने यूपीएससी एग्जाम की तैयारी का श्रेय अपनी माँ को दिया है साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो लगातार मोटिवेट करती हैं। सिमरन की मां की मोटिवेशन की वजह से ही वो यहाँ तक पहुंची है मां ने 2015 में एक विश्लेष्ट पर उन लिख दिया था कि मैं सिविल सर्वेंट बन जाऊं तब मैं दसवीं क्लास में थी इस बात का पता उन्हें हाल ही में चला सिमरन ने बारहवीं आर्मी पब्लिक स्कूल से की जम्मू से फिर उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के कमला नेहरू कॉलेज में एडमिशन लिया सिमरन ने कहा कि वो हर हाल में यूपीएससी क्रैक करना चाहती थी ऐसे में उन्होंने पहले से तय कर लिया था की तैयारी से पहले उन्होंने 40 से 50 टॉपर्स के वीडियो देखे इसके बाद ही उन्होंने अपना प्लान बनाया इसी दौरान कॉलेज में क्विज प्रोग्राम के दौरान आई इल्मा अफरोज से भी उनकी मुलाकात हुई उन्होंने बातचीत के बाद और ज्यादा मोटिवेट महसूस किया खुद को और तय कर लिया कि आईपीएस बनना है सिमरन ने कहा मैंने एक शीट बनाई इसमें अपनी मजबूती कमजोरी डर की पूरी लिस्ट बनाई सिमरन ने यह भी बताया कि वो हर दिन कॉलेज जाना पड़ता था तब वो जर्नलिज्म का कोर्स कर रही थी वहां प्रैक्टिकल का दबाव था लेकिन फिर लॉकडाउन लग गया उन्होंने कहा कि मैंने लॉकडाउन के दौरान यूपीएससी की तैयारी की उन्होंने कहा कि यूपीएससी एग्जाम के लिए सेल्फ स्टडी करना ज्यादा बेहतर विकल्प है उन्होंने ये पहले ही तय कर लिया था कि वो किसी भी कोचिंग को ज्वाइन नहीं करेंगी जब भी वो सुबह और शाम को वॉक पर जाती तो करंट अफेयर या न्यूज सुनती मॉक टेस्ट आंसर राइटिंग की लगातार तैयारी करती सिमरन ने कहा कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो फोकस रहे कंसिस्टेंसी अपनाएं वहीं उन्होंने ये भी कहा कि यूपीएससी को महज एक परीक्षा के तौर पर ही देखें खुद पर दबाव न बनाएं फिलहाल के लिए इतना ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर